तबादलों के इंतजार में बैठे मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार अब नई तबादला नीति नहीं लाएगी। जी हां, अब सरकार नई तबादला नीति नहीं लाएगी। इसके लिए बीच का रास्ता अपनाया गया है, यानी मोहन सरकार ने तबादला नीति का तोड़ निकाला है। अब प्रभारी मंत्रियों को सिर्फ विभागों में ही खाली पड़े पदों पर ट्रांसफर करने का अधिकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब विभागों ने काम तेज कर दिया है। पहले नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूरी तैयारी हो गई थी। माना जा रहा था कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD नई नीति जारी कर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने कैसे निकाला है तबादला नीति का नया तोड़ और कैसे हजारों कर्मचारियों को झटका दे सकती है मोहन सरकार, बता रहे हैं भोपाल से द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। सबसे पहले आपको ट्रांसफर पॉलिसी की प्रोसेस समझाते हैं। यदि कोई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है तो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद खाली पदों पर उसका ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहीं यदि पद खाली नहीं हुआ तो तबादला नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भोपाल जिले का कोई शिक्षक रायसेन जिले में तबादला चाहता है, तो जहां वो शिक्षक तबादला चाहता है वहां पद खाली होना जरूरी है। यदि वहां पद खाली नहीं है तो तबादला नहीं होगा। अब तबादला नीति क्यों नहीं आएगी वो भी समझ लेते हैं। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार के पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। विपक्ष हमेशा ही ट्रांसफर और पोस्टिंग में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेरता रहा है, लिहाजा अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले माना जा रहा था कि 20 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में तबादला नीति पर सहमति बन जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD नई नीति जारी कर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में ही संशोधन का रास्ता खोजा जा रहा है। फिलहाल राज्य सरकार में करीब 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी अपना ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब ट्रांसफर पॉलिसी ही नहीं आ रही है ऐसे में उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा। बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले जून में शिवराज सरकार ने प्रदेश में 15 दिन के लिए ट्रांसफर पर से रोक हटा दी थी। बाद में आवेदनों की संख्या को देखते हुए इसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया था। इसके पीछे मंशा यही थी कि चुनाव के एन पहले कर्मचारी वर्ग कहीं नाराज ना हो जाए। इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी, तब प्रदेश में 1 महीने के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद 2022 और 2023 में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाई गई। प्रदेश में कुछ मामूली संशोधनों के साथ ही तबादले होते रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग तय था कि ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका पूरा खाका भी खींच लिया था, लेकिन अब ये तय किया गया है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाएगी, जिससे इतना तय है कि प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।